अब यहाँ पर पीरियड नंबर थ्री एलिमेंट्स के साथ उसकी आर्गुनाइजेशन एनर्जी का डाटा मैंशनड है सोडियम हैज़ गॉट द लोवेस्ट आर्गुनाइजेशन एनर्जी अमांग पीरियड नंबर थ्री एलिमेंट्स फोर नाइन्टी सिक्स मैगनीशियम की सेवन थर्टी एट है और uh, यही वजह अगर, अगर आप देखें इस पूरे पीरियड में तो सोडियम मैग्नीशियम और एल्युमिनियम के जो तीनों मेटल्स हैं इनकी आर्गुनाइजेशन एनर्जी वैल्यू कंपैरेटिवली बाकी सबके कम है विच मीन्स uh, के दे आर मेटल्स दैट्स वाई एंड दे हैव गॉट लो आयोनाइजेशन एनर्जी बिकॉज दे हैव द टेंडेंसी टू लूज अलेक्ट्रॉन ईजिली ऑन द अदर हैंड अगर आप इस, इसी पीरियड के एक्सट्रीम उस कॉर्नर पर देखें सल्फर क्लोरिन या आर्गन आर्गॉन को देखें तो आर्गॉन हैज़ गॉट द मैक्म आयोनाइजेशन पोटेंशल दैट इज फिफ्टीन टवेंटी और उसकी रीज़न आपको पता है यानी क्लोरीन और आर्गन दोनों के वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो काफ़ी डिफरेंस है ट्वेल्व फिफ्टी वन और फिफ्टीन टवेंटी इसकी वजह यह है बिकॉज आर्गन इज़ द नोबल गैस एंड द आउटर मोस्ट शेल इन द केस ऑफ आर्गन इज़ कंप्लीट और वहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में अ लॉट ऑफ एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड बिकॉज वो स्टेबल है ऑलरेडी दैट्स ऑल ठीक है अब क्लोरीन आ, और सल्फ़र और फॉस्फोरस डी आर नॉन मेटल्स और इनके अंदर भी कोई टेंडेंसी नहीं होती इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की आपको पता है ये गेनर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ताकि ये स्टेबिलिटी अचीव कर लें तो ये इसमें दो जगहों पर अनॉमलस बिहेवियर आ रहा है जिसकी मैंने आपको रीज़न वहाँ पर शेयर की थी नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो इट इज़ अ मैयर ऑफ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इट्स टू एटम्स के दरमियान जो कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है उसमें दोनों एटम्स के दरमियान वो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड हो रहा होता है लेकिन अगर दो एटम्स डिफरेंट होंगे तो ऑफकोर्स उनकी शेयरिंग डिफरेंट होगी एक एटम अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा दूसरा तो ये जो अबिलिटी है इसको आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं पॉलिंग स्केल के मुताबिक हमने प्रिगॉर्डिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ असाइन की हुई हैं फ्लोरिन हैज़ गॉट द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विच इज़ फोर सीजियम हैज़ गॉट द मिनिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन द प्रिगॉडिक टेबल विच इज पॉइंट सेवन इनसे कोई यूनिट्स नहीं होते ठीक है फ्लोरीन को एक फर्जी आर्बिट्ररीली वैल्यू असाइन की गई थी और पूरे पीरियोडिक टेबल के जो बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू तो द फ्लोरीन उनको वैल्यूज़ असाइन की गई ठीक है अब इसका जो ट्रेंड है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो जस्ट लाइक आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज़ के जितना स्मॉल साइज़ का एटम होगा उसके अंदर उतनी ज़्यादा स्ट्रॉग टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की सो दैट विल बी स्मॉल साइज एटम्स विल बी हैविंग हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर भी हमने यही डिस्कस किया था कि स्मॉल साइज़ एटम्स दे हैव हायर आयोनाइेशन एनर्जी वैल्यू तो आप ये कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन तीनों के जो ट्रेंड्स हैं वो सेम हैं uh, ये तीनों um, they are inversely proportional to atomic size smaller the atomic size uh, greater will be the ionization energy greater will be the electronegativity and greater will be the electron affinity value ठीक है अब यही चीज अगर हम पीरियड नंबर थ्री के एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपको पता है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अटोमिक साइज इज डिक्रीजिंग ठीक है जब अटोमिक साइज इज डिक्रीजिंग तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू विल इंक्रीज एंड क्लोरीन हैज़ गॉट द मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इन पीरियड थ्री एलिमेंट्स आर्गन को हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज आर्गन इज द नोबल गैस एंड उसमें कोई कोवल एंड बॉन्डिंग का तो क्वेश्चन ही नहीं क्रिएट होता तो दैट्स वाई देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू असाइन टू आरगॉन